हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर टेक्निकल गुरुदेव इंजीनियर सक्षम सक्सेना। सबसे पहले तो मैं उन लोग को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, और मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे वीडियो के नीचे मैंने कई सारे सोशल मीडिया के लिंक्स दे रखे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एंड आप जहाँ भी आपको डाउट हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो के राइट साइड में सब्सक्राइब बटन दे रखा है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो के लेफ्ट साइड में लाइक बटन दे रखा है, प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाइथन। पहले मैंने आपको जो पहला लेक्चर दिया पाइथन का, उसमें मैंने बताया कि बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों पाइथन की ज़रूरत पड़ी और पाइथन किस तरीके से और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से अच्छी है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे कि बेसिक प्रोग्रामिंग पाइथन में कैसे होती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेसिक प्रोग्रामिंग इन पाइथन। बेसिक प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे कैसे करना है। सपोज कर लेते हैं ये कमांड लाइन प्रॉम्प्ट की विंडो है। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि आपके सिस्टम में पाइथन का कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखा है, और आपकी पाइथन को ओपन करने के लिए ये C:C डायरेक्टरी, इसमें आपका यूजर नेम लिख के आएगा, जो आपका यूजर नेम होगा इसमें आप लिखेंगे पाइथन। यहाँ पे आपका जैसे ही आप लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पाइथन का वर्जन लिख के आ जाएगा और पाइथन ओपन हो जाएगा। अगर आप सिर्फ पाइथन की जगह शॉर्ट फॉर्म में PY भी लिखेंगे तब भी आपके पाइथन का वर्जन यहाँ पे दिखा देगा और पाइथन ओपन हो जाएगा और तुरंत 3 लेस देन सिंबल्स यहाँ पे अपियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एडिशन के ही प्रोग्राम से, जो हमने एग्जांपल आपको समझाया था। तो पहले हम डिफाइन करते हैं A=4 असाइन कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आएगा कंट्रोल, उसमें B=5 किया हमने, और फिर हमने इन दोनों की वैल्यू एक C वेरिएबल में स्टोर करा दी। फोर्थ लाइन हमने लिखी प्रिंट C, और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे हमारे यहाँ पे आउटपुट लिख के आ जाएगा जो कि है 9। तो एक सिंपल सा ये प्रोग्राम है एडिशन का। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पाइथन की फाइल को ओपन किया। चाहे आप पाइथन लिख के ओपन कर सकते हैं, चाहे आप PY लिख के ओपन कर सकते हैं। तो इसमें एक पाइथन का वर्जन लिख के आएगा, Python 3.2 या Python 3.1 ऐसे लिख के आएगा, वैसे और भी वर्जन होते हैं। फिर आपका कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे ऐसे कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 3 लेस देन सिंबल्स आपको यहाँ देखें, 3 ग्रेटर देन सिंबल्स यहाँ दिखेंगे आपको। पहले आप असाइन कराएंगे A=4, B=5, फिर हमने एक सी वेरिएबल में स्टोर कराई वैल्यू C=A+B, फिर उसके बाद हमने उस सी की वैल्यू को प्रिंट करा दिया और लास्ट में आउटपुट आ गया। तो ये तो हुई बात कि कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि IDLEs पे हम कैसे करते हैं। पाइथन की कुछ IDLEs भी होती हैं जो कि शेल होता है बेसिकली, वो एक जिसपे हम पाइथन का कोड लिखते हैं। जैसे C++ का शेल होता है वैसे ही पाइथन का भी शेल है। चाहे तो आप कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे लिख लीजिए, चाहे आप उस पर लिख लीजिए। ये जावा की तरह नहीं है कि शेल में आपको रिटन कोड्स मिले ऑलरेडी, यहाँ पे आपको रिटन कोड्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे अब शेल कोडिंग यूज करेंगे, शेल प्रोग्रामिंग। शेल प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। सपोज दैट दिस इज योर शेल, यहाँ पे आपको C:Python लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आपका ऑटोमेटिकली पाइथन का शेल ओपन है, ये पाइथन का वर्क स्पेस है। यहाँ पे हम सिंपल एडिशन का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे देखते हैं।
यहाँ पे आपको पाइथन का वर्जन लिखा होगा, 3 greater than symbols, a = 4, एंटर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी a = 4। ये दिखाएगा यहाँ लाइन बाय लाइन आपको आउटपुट देता जाएगा। फिर आपने लिखा b = 5, तो ये b = 5 आ गया। यहाँ पे आपने c = a+b लिखा, और फिर यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट सी। तो जैसे ही आप प्रिंट सी लिखते हैं और एंटर करते हैं तो ये फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे एक और लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो उससे पहले आप इस प्रोग्राम को रन करने से पहले इस प्रोग्राम को आप सेव करेंगे। सपोज दैट आपने सेव किया, ऐड फाइल नेम डाला ऐड और .py, py जरूर लगाइए क्योंकि ये जो py है ये पाइथन का एक्सटेंशन होता है, ऐड .py। तो आपने इसको सेव किया तो यहाँ पे आपका लिख के आ गया ऐड .py। अब यहाँ पे आप जो है क्लिक करेंगे F5 बटन जो है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन होगा और यहाँ पे जो इसकी जगह है उसकी जगह आपका आउटपुट आएगा, दैट इज 9। तो आपने देखा कि हम कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग और शेल पे कैसे करते हैं। कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे इनका प्रेजेंट थोड़ा सा आसान होता है प्रोग्रामिंग करना, और जो शेल होता है शेल पे थोड़ा सा टफ होता है। शेल क्या है, शेल में आप फाइल पे गए, ओपन कर लिया आपने। कमांड लाइन पे अगर आपको ओपन करनी है अपनी यही फाइल ओपन करनी है तो आप डालेंगे पाइथन और उसके आगे डालेंगे ऐड .py। तो उससे आपकी जो एडिशन की ये वाली जो फाइल है ये आपकी कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे ओपन हो जाएगी। तो हमने क्या बताया कि ये एक प्रोग्राम आपने लिखा, उसके बाद आपने सेव किया ऐड .py, जो py था ये था एक्सटेंशन फाइल का हमारी। यहाँ पे ये एक्सटेंशन आएगा, उसके बाद आप F5 पे क्लिक करेंगे और उसे रन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम कैसे एक पाइथन का बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं। मैंने आपको दोनों पे दिखाया कि कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे कैसे लिखते हैं और शेल पे कैसे लिखते हैं। कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में आप पाइथन को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, शेल में आप पाइथन को ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, रन करने के लिए क्या करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।